हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उम्र कैसे निकालें। देखिए, उम्र निकालना बहुत ही आसान है, बस इसमें हल्की सी ट्रिक है जो आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। उम्र निकालने से पहले सबसे पहले हम आज की तारीख को लिखते हैं। मान लीजिए आज 10 तारीख है, तीसरा महीना है और वर्ष सन 2023 है। तो ये दिन है, ये माह है, ये वर्ष है। फिर जन्म तिथि हम नीचे लिखेंगे, यानी कि हम कब पैदा हुए थे। तो मान लीजिए इसमें जन्म तिथि है 8 तारीख को दूसरे महीने यानी फरवरी में सन 2001 में हम पैदा हुए थे। तो आज की तारीख में से जन्म तिथि को हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। ऊपर आज की तारीख रहेगी और नीचे घटाने में हमें जन्म तिथि को लिखना है। इसमें घटाने का सिलसिला उल्टा होता है, यानी कि हम इस तरफ से घटाएंगे। तो पहले हम घटाएंगे दिन। देखिए, 10 में से 8 गया तो ये आ गया 2। फिर माह, 3 में से 2 गया तो आ गया 1। ये क्या है, 2023। 3 में से 1 गया तो आ गया 2। 2 में से 0 गया तो आ गया 2। ये बच गया 0। ये 2 में से 2 गया, हो गया 0। यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो गया है 22 वर्ष 1 महीने 2 दिन। तो ये देखिए, ये सिंपल वाला था, लेकिन अगर हासिल आ जाता है तो हम वो कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हासिल आ जाता है इसमें तो कैसे घटाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए, आज की तारीख मान लेते हैं 1 तारीख है, तीसरा महीना है सन 2023। आज हम तिथि है 5 तारीख, चौथा महीना सन 1998। ये मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भी है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। जैसा कि जानते हैं ये दिन है, तो इसमें भी हम उल्टा ही घटाते हैं, यानी कि हम इस तरफ से घटाते हैं उल्टा। तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम इसे बगल वाले से हासिल लेंगे। तो ये क्या था, माह महीना था और ये तीसरा महीना है, यानी कि होता है मार्च का महीना। तो इसमें होते हैं 31 दिन, तो हासिल में जाएगा पूरा का पूरा 31। ठीक है, तो अब देखिए 31 और 1 मिलके हो गया 32 दिन। अब 32 में से 5 को आसानी से घटा लेंगे हम। तो यहाँ 2, 12 में से 5 आ गया 7, यहाँ पे 2, 32 में से 5 जाएगा तो बच गया 27। यहाँ पे हम एक मंथ दे दिए थे उधार, तो क्या बचा, 2 मंथ ही बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, नहीं घटेगा। तो फिर हम बगल वाले से हासिल लेंगे, लेकिन यहाँ से हासिल जब जाएगा तो पूरा 1 साल यानी कि 12 महीने हासिल के रूप में जाएगा। तो इसमें 12 हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 12 और 2 यानी कि 14, यानी इसके पास हो गया 14 महीने। तो अब 14 में से 4 आसानी से घट जाएगा, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 10। अब ये जो वर्ष था, एक वर्ष इसको हम जब उधार दे दिए थे तो इसके पास एक वर्ष कम हो गया है, यानी कि इसके पास बचा है 2022। ठीक है, अब हम 22 मान के इसको घटाएंगे, तो 12 में से 8 गया, ये आ गया 4। 2 में से 9 गया, 9 दो नहीं, 1 बचेगा क्योंकि 1 इसको हम दे दिए थे, तो ये बच गया 2। यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जब हासिल ये दिया जाएगा
तो इसके पास पूरा एक महीना जाएगा, और जब ये इससे हासिल लेगा तो इसके पास पूरा एक वर्ष जाएगा। ठीक है, तो आ गया 24 वर्ष। ये क्या है, 24 वर्ष 10 माह 27 दिन। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।